Hello friends, in this video we are going to learn about duties of chairman. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी कंपनी में चेयरमैन है उस चेयरमैन की क्या ड्यूटीज होगी. सो बेसिकली हमने देखा इससे पहले वीडियोज में कि जब भी कोई कंपनी में मीटिंग बुलाई जाती है तो उस मीटिंग को हैंडल करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम चेयरमैन कहते हैं. तो जब चेयरमैन किसी मीटिंग को कंडक्ट करेगा तो उस टाइम पे उसकी क्या क्या ड्यूटीज होगी, वो सारी ड्यूटीज आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे, आज का जो टॉपिक हमारा वो है ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन. तो ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन में बात करेंगे टू सी दैट द मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वीन्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड. तो बेसिकली यहाँ पर ये होगा ड्यूटी चेयरमैन का कि वो हमेशा ध्यान देगा या देखता रहेगा कि मीटिंग प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है. तो प्रॉपरली मीटिंग कन्वीन्ड हो रही है नहीं हो रही है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की होगी कि वो उस पर ध्यान दे कि मीटिंग प्रॉपरली चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है. नेक्स्ट पॉइंट है टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर कंडक्टेड इन प्रॉपर मैनर. तो बेसिकली देखा जाए कि वो देखता रहेगा कि कंपनी की जो मीटिंग है वो प्रॉपरली प्रोसीडिंग में चल रही है नहीं चल रही है, यानी जो वे में होनी चाहिए मीटिंग वो प्रॉपर वे में कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर वो ध्यान देगा. नेक्स्ट पॉइंट है टू सी दैट द आइटम आर डिस्कस अकॉर्डिंग टू एजेंडा. सो बेसिकली हम बात करें कि जो एजेंडा है इस मीटिंग का वो एजेंडे के ही ऑर्डर में ये डिस्कशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो बेसिकली हम यहाँ पर अगर डिस्कशन करना चाहें थोड़ा सा डिटेल में, तो यहाँ पर कंपनी मीटिंग से पहले क्या करती है, नोटिस भेजती है और उस नोटिस में एजेंडा होता है, यानी कि किस मुद्दों पर कंपनी बात करने वाली है. तो एजेंडे एक से ज़्यादा होते हैं, तो जब वो एजेंडा भेज दिया जाता है तो मेंबर अपने आप को पहले से रेडी करके आता है कि भाई ये टॉपिक पे ये डिस्कशन करना है. तो जब कंपनी में मीटिंग कंडक्ट होती है तो जिस हिसाब से एजेंडा होता है उसी एजेंडे के अकॉर्डिंगली मीटिंग चलाई जाती है. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, टू मेंटेन ऑर्डर इन द मीटिंग. तो ऑर्डर इन द मीटिंग मतलब कि मीटिंग जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए. जैसे पहले सारे के सारा मेंबर्स आना चाहिए, वो बैठना चाहिए, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, कोरम प्रेजेंट होने के बाद मोशन रखना चाहिए, मोशन पे डिस्कशन होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिस्कशन होना चाहिए, या फिर प्रॉपर वोटिंग होनी चाहिए और वोटिंग होने के बाद डिस्कशन हो जाने के बाद सारी चीज़ों पर वोटिंग होने के बाद हम क्या करना चाहिए, वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए. तो यानी कि जो मीटिंग प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए वैसा प्रॉपर ऑर्डर में मीटिंग कंडक्ट कराना, ये उसकी ड्यूटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट है टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग. तो रिजल्ट ऑफ वोटिंग डिक्लेयर करना ये भी किसकी ड्यूटी होती है, चेयरमैन की ड्यूटी होती है. तो चेयरमैन पहले प्रॉपरली मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा और मीटिंग कंडक्ट करने के बाद मोशन वगैरह रखा जाता है और मोशन में डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद वोटिंग की जाएगी. अब वोटिंग हो जाने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो कौन डिक्लेयर करेगा, चेयरमैन डिक्लेयर करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है टू सी दैट प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स आर इंटर इन द मिनट्स बुक एंड टू साइन देम. सो बेसिकली यहाँ पर ये इसकी ड्यूटी है चेयरमैन की कि जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ वो प्रॉपर डिस्कशन जो है वो मिनट्स बुक में, यानी जिस बुक में मिनट्स लिखा जाता है मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ वो एक बुक में लिखा जाता है जिसको हम मिनट्स बुक कहते हैं. तो मिनट्स बुक के अंदर वो प्रॉपरली मिनट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसको ध्यान देना, और उसके बाद जब प्रॉपरली सारा मिनट्स उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाए तो उस पर साइन करना, ये भी चेयरमैन की ड्यूटीज होती है. नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग. सो बेसिकली यहाँ पर वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे काम करेगा, जो मीटिंग के इंटरेस्ट में होगा, यानी बेसिकली वो पर्सनल इंटरेस्ट से कोई भी काम नहीं करेगा, वो वही काम करेगा जो मीटिंग के लिए बेहतर होगा, कंपनी के लिए बेहतर होगा. नेक्स्ट पॉइंट है टू डील विद द इंसिडेंटल क्वेश्चन विच अराइज एट द मीटिंग. सो बेसिकली हम बात करें जब मीटिंग कंडक्ट होगी तो उसमें मोशन पे डिस्कशन होगा, तो जब डिस्कशन होगा तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो क्वेश्चन करेंगे. तो जब चेयरमैन से क्वेश्चन किए जाएंगे या फिर किसी मुद्दे पर जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर चेयरमैन की ड्यूटी है तो उसके जवाब दे. तो जब चेयरमैन से कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी मुद्दे से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो उसका प्रॉपर डिस्क्लोज करे, यानी उसका प्रॉपर आंसर दे, ये भी चेयरमैन की ड्यूटीज होती है. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी कंपनी में जो चेयरमैन है उस चेयरमैन की क्या क्या ड्यूटीज होती है जब वो किसी मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.